नमस्कार, कैसे हैं आप? 2024 की रणभेरी मानो बज गई है, मोदी ने तुतुही बजा दी है। अब उन सबको बजाना है, मतलब जो 24 के चुनाव में 400 पार का नारा जो प्रधानमंत्री ने दिया है, उस शुरुआती उसके स्टैंड दिखा दिए हैं। 3:30 बजे सुबह तक पूरी रात बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक, और मीडिया ये भजन गाती रही कि अब अगले 5 मिनट में, अगले आधे घंटे में करती रही। लिस्ट तो तैयार हो गई होगी, घोषणा लगभग 48 घंटे बाद हुई, और फिर भी कानो कान खबर नहीं। इतने बड़े पैमाने पर ऐसे ऐसे मठाधीशों के टिकट काटे गए, और फिर कुछ ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाए गए, दिया गया कि मोदी ने फिर यह दिखाया कि जो जमीन पर काम करता है उसके मायने क्या है। बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों कहा कि ममता के गुंडों से लड़ते लड़ते हमारे कार्यकर्ता पिटते रहे हैं। मोदी ने फिर अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाया है, जिनके टिकट कटे उसके क्यों क्या मायने हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चिन्हित ओके किया गया इस लिस्ट को क्यों हम कह रहे हैं कि रंगबाज मोदी ने 24 का शंखनाद जो किया है उसके क्या मायने हैं। पॉलिटिकल पार्टी को सूझ नहीं रहा। कांग्रेस कह रही है कि जिनको छांट दिया गया, इतने बड़े पैमाने पर सांसदों की चटनी कर दी, इसका मतलब वो नकारे हैं, मोदी को माफी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ अखिलेश कह रहे हैं, अखिलेश का स्टैंड कांग्रेस से एकदम उल्टा है। वो कह रहे हैं कि मोदी ने हार मान ली, इन लोगों को साइड करके। अब क्या कुछ इसके मायने हैं वो समझना बहुत जरूरी है, लेकिन ये समझना बंगाल और बिहार से, मोदी दिल्ली से निकले, पूरी रात मीटिंग की, सुबह धनबाद गए, मतलब झारखंड, फिर बंगाल, 2 दिन बंगाल, फिर लौट करके बिहार। बिहार में पहली बार नीतीश कुमार से उनके सामना हुए, और नीतीश से पहली मुलाकात पलटी के बाद, उसमें भी क्या रंगबाज के मायने हैं, तमाम चीजों को समझेंगे। सतीश जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर आप एक शब्द अक्सर इस्तेमाल करते हैं, रंगबाज, इसीलिए मैंने आज थंबनेल में रंगबाज ही दिया है। आमतौर पर रंगबाज हमारे यहाँ जो हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जहां बिहार में जो बेगूसराय है, वहां रंगबाज शब्द का इस्तेमाल किया था, बड़ा रंगबाज बन रहा है यार। तो रंगबाज कई बार नकारात्मक में इस्तेमाल होता है, लेकिन आप अक्सर रंगबाज जब इस्तेमाल करते हैं तो दिखता है कि वो रंगबाज के उसके मायने के स्वरूप में व्याख्या किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी रात, 73-74 साल का एक व्यक्ति इस उम्र में सुपर रिटायरमेंट हो जाता है। मेरे व्यूअर्स कई कहते हैं कि मनीष जी मैं सुपर सीनियर सिटीजन हूं, और कई तो ऐसे भी हैं जो पुस्तक मेला में आए थे तो पता चला कि 77-78 वर्ष के हैं, कहां कोई पटौदी से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, तो जोश दिखता, कहता कि मोदी से मैं प्रेरित होता हूं। मनीष जी, ये 73 साल का एक व्यक्ति पूरी रात मीटिंग करता है 3:30 बजे तक, फिर 7:30 बजे धनबाद पहुंच जाता है, फिर उसके बाद पूरी दिन वहां पे कार्यक्रम होते हैं, फिर बंगाल जाता है, ये प्रक्रिया चलती है, उसके चेहरे पर कुछ नहीं पता चलता। वो वहां नारा दे रहा 400 पार, लेकिन उसके बाद वो बिहार पहुंचता है, उस बिहार में जहां चुनाव तो मोदी और नीतीश ने साथ लड़े थे, लेकिन नीतीश गायब हो गए, मोदी को गाली देने लगे। ये वही नीतीश है जिसने 2014 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी के सामने से थाली छीने थे। हम लोग कई बार कहते हैं कि मोदी किसी को छोड़ते नहीं, नीतीश को भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम शुरुआत चाहते हैं सर वहां से करें। आज नीतीश मोदी के सामने थे, क्या कहा जरा उससे शुरू करें, फिर आपकी व्याख्या वहीं से हम लोग लें। जरा मोदी के बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे और नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं, कैसे थूक के चाटने से भी ज्यादा मुझे लगता ये है। और कई लोग कहते हैं कि नीतीश को क्या मोदी माफ कर देंगे क्या, इसके क्या मायने, जरा नीतीश को सुनिए। मैं अभिनंदन करता हूं कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, ताज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं।
हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। आज तो मैं अभिनंदन करता हूं, दोबारा सुनिए, कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, ताज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। आज तो मैं हम रहेंगे आप ही के साथ, हम भाग गए थे। ये लगभग हम उम्र है नरेंद्र मोदी के, 1-8 साल बड़े ही होंगे। ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं सर। हाँ मनीष जी, जो मैं कहता हूँ, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि जो अभी जो आपने वीडियो दिखाया, जो प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से ठटा के हंस रहे थे और जिस तरह से दंडवत शरणागत थे नीतीश कुमार, तो ये रंगबाज नेता की निशानी है। और मैं हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के लिए ही इस्तेमाल करता हूँ कि बड़ा रंगबाज प्रधानमंत्री है मेरा। और उसके कारण बता दूं, जो आपने कहा था कि लोग नकारात्मक करते, नकारात्मक तो उसको जो है, नकारात्मक लोगों ने भी उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये मैं बताऊं कि मैंने कहां से नकल किया, मेरे शब्द कहां से पकड़ा, तो दर्शकों को भी पता चल जाएगा मैं रंगबाज शब्द का इस्तेमाल क्यों करता हूं, क्या संदर्भ है उसका। यहाँ पे अटल जी चुनाव लड़ते थे मनीष जी, 1991 से 2004 तक वो लगातार लड़े, मेरे ख्याल से 5 लोकसभा चुनाव, और उनके खिलाफ में समाजवादी पार्टी ही के होती थी कांग्रेस, और जनेश्वर मिश्रा मतलब उनको छोटे लोहिया कहा जाता, और गजब का मतलब वक्ता तो बहुत बेहतरीन वक्ता थे, और अटल जी के बड़े करीबी भी थे, बड़े उनके अच्छे संबंध भी थे। लेकिन वो जब मंच पे खड़े होते थे और अटल जी के बारे में आलोचना वो शुरू करते थे, तो उनका एक बड़ा सेट जुमला था मेरे ख्याल से, जो लखनऊ के पुराने पत्रकार उनको सबको याद होगा कि वो करते करते फिर वो उनका एक लहजा होता था कि बड़ा रंगबाज नेता है, तो वो अटल जी के लिए इस्तेमाल करते थे कि बड़ा रंगबाज नेता है, किसी की सुनता नहीं है, फिर वो अपने मन की करता है। तो वो मेरा संदर्भ में वहां से इस्तेमाल करता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी उसको ज्यादा बेहतर सार्थक कर रहे हैं। आज वो आपने बिहार के मंच पे देखा, और मैं फिर कह रहा हूं कि आज तो प्रधानमंत्री मोदी ने साबित कर दिया, ये जो पहली लिस्ट आई है, ये जरा मैं इसकी दूसरे तरह से व्याख्या करूंगा, आप लोगों की समझ में आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं। और दूसरे एक और बड़ी खुशखबरी है कि रंगबाज नेता की रंगबाजी जरा समझिए कि आज जब अपने 400 पार अभियान की शुरुआत आधिकारिक तौर पर की है उस रंगबाज नेता ने, तो उसी समय हमारे अज्ञात वीरों ने भी कमाल दिखाया है। एक बंबई अटैक का जो मेन मास्टरमाइंड था, जो अपना वो चलाता था, पूरा कैंप चलाता था, ट्रेनिंग कैंप, वो आज बहत्तर के पास चला गया, और उसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल नहीं दिया, केवल इतना बताया है कि उसको हार्ट अटैक हो गया। वो 6-7 बंदूकधारियों के साथ वो रहता था, इतने उसमें था, अचानक वो हार्ट अटैक में वो चला गया। फिलहाल पाकिस्तान ने ये स्वीकार कर लिया कि वो गया, विदा हो गया, वो आज ही विदा हुआ है। और एक और खबर आई है कि एक और बड़ा खलीफा था उनके पास वो गैंग में, उसका आज एबटाबाद से अपहरण हो गया है, तो वो 2-3 दिन में उसकी भी खबर आ जाएगी। तो ये तो दो काम अज्ञात वीरों ने किए। और तीसरी खबर यह है कि आरएसएस का नेता को हत्या करने वाला हत्यारा, शायद मोहम्मद गौस या अब्दुल गौस ऐसे क्या नाम है, उसको साउथ अफ्रीका में एनआईए ने आज ही पकड़ा है। तो हैट्रिक मारी है देश के दुश्मनों के ऊपर, और उसी के साथ 400 पार का ये अभियान शुरू किया है हमारे रंगबाज प्रधानमंत्री ने, तो रंगबाजी के साथ ही शुरू किया है। और जो लिस्ट आई है वो तो मनीष जी रंगबाजी बता ही रहेगी कैसी रंगबाजी है, तो हमारा प्रधानमंत्री रंगबाज है, इस पर गर्व होना चाहिए। मैंने बताया वो संदर्भ में कहां से लेता हूं। आज मनीष जी जो लिस्ट आई तो पहले, उसमें पहले नीतीश पर सर मुझे लगता है कि कम हुआ, नीतीश पर आप समझना चाहेंगे कि जब नीतीश कुमार के इस बयान के क्या मायने, हम भाग गए थे, अब हम आपको छोड़ेंगे नहीं। नीतीश तो इस तरह की बातें करते रहते हैं, लेकिन इतनी बेशर्मी से, ये बिहार का मुख्यमंत्री है, हम भाग गए थे, हम उधरे कहीं चले गए थे, इसका क्या मतलब है? शब्द कुछ और था लेकिन भाव पूरे वही थे, जैसे एक वो प्रार्थना ना कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही, उसी तरह शरणागत थे। और प्रधानमंत्री मोदी कितने मुक्त उससे हंस रहे थे, क्या मुक्त हंसी थी उनके, मेरे ख्याल से इस तरह हंसते हुए भी लोगों ने बहुत कम उनको देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा, मुस्कुरा देते हैं या कभी कभी हंस देते हैं, लेकिन आज जिस तरह से वो हंसे हैं,
नीतीश कुमार की स्थिति यहां से है वो कि ये याद करिए, अभी 2 महीने पहले यहाँ एनडीए में आने से पहले कैसी भाषा नीतीश कुमार की थी, तो अपने आप प्रधानमंत्री मोदी ने भाई जो ये कहते हैं पूरा विपक्षी गैंग कहता कश्मीर से कन्याकुमारी तक कि ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी, तो नीतीश कुमार के पीछे ना तो ईडी लगी थी ना सीबीआई लगी थी ना कोई दूसरी तीसरी एजेंसी लगाई गई थी कि इनकम टैक्स लगाओ, कुछ भी तो नहीं था। नीतीश कुमार स्वतः जो आए हैं और किस तरह से आए हैं ये आज इसका नमूना हम लोगों ने देख लिया। तो ये क्या है बनी, ये केवल प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व और उनका औरा जो इतना बड़ा कद हो चुका है कि नीतीश कुमार, देखिए मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि नीतीश कुमार और दुनिया भर की बातें राजनीतिक आलोचना आप कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कम से कम मूर्ख नेता नहीं है, मूर्ख नहीं, राजनीतिक मूर्ख उस आदमी को आप नहीं कह सकते। उस आदमी ने समय के साथ भापा तो कहा थोड़ी अपनी ये बद अपनी पिटवा लेंगे लेकिन दुर्दशा नहीं करवाएंगे, तो वो केवल प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व से वो आदमी इतना ज्यादा टूट गया कह लीजिए, या अपनी सारी क्षमता वो खो दी कि आके शरणागत है। ये आज का जो मंच का या दृश्य था या जो नीतीश कुमार की जो शब्द थे वो उसी को चीख चीख कर बयान कर रहे थे कि आज की तारीख में देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के घुटने के बराबर कोई दूसरा नेता नहीं है। ये असलियत है जो आज नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा या जो कुछ हम लोगों ने उनको देखा, तो ये बता दिया कि हम सब तुम्हारे घुटने के बराबर हैं और अब हम तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो ये राजनीति में भाषा बोली जाती है लेकिन जिस अंदाज में कही है नीतीश कुमार ने और जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी हंसे हैं, तो वो गजब एक ये बड़ा दुर्लभ दृश्य होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि नीतीश कुमार का एक बड़ा कद था। बड़ा कद क्या बिल्कुल था, ये इंडी गैंग तो अपनी खोपड़ी का उम्मीदवार बना रहा था उस आदमी को। तो मैंने कहा ना कि आज जो रंगबाजी के साथ अभियान की शुरुआत की है, तो ये मूर्ख कोई चैनल वाले भी इस पर बात ही नहीं कर रहे कि जो आदमी प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने के लिए ताल ठोक रहा था, और केवल वो अकेला नहीं ठोक रहा था, ये पूरा गैंग वो बंगाल से लेके वो मद्रास तक वो बिहार और उत्तर प्रदेश, कि नीतीश कुमार जो है इनको चुनौती देंगे, तो जो आदमी चुनौती देने जा रहा था वो आज किस हालत में आके शरणागत हुआ है सामने सार्वजनिक रूप से, ये बता देता है कि 2024 के चुनाव का परिणाम क्या होने जा रहा है। यानी सेनापति मनीष जी आके लेट गया है। सीधी सीधी बात यह है कि जो विरोध बिल्कुल के विरोध का जो सेनापति था वो बिल्कुल लेट गया है, वो झुका नहीं है, झुका नहीं है, वो लेट गया है ताकि कहीं कोई शिकायत का मौका न रह जाए। तो 2024 की कैसी तैयारी है और क्या परिणाम होने जा रहा है इस महाभारत का, यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया आज की नीतीश कुमार की सभा से। बिल्कुल सर, मैं यही लाना चाह रहा था आपको कि कंक्लूजन आप इस रूप में हो कि जो संयोजक था, मतलब जो इस एनडी गैंग का रचनाकार था, जो स्वयंभू संयोजक था, वो घुटने के बल है, मैं भाग गया था, अब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और जब उस नीतीश को साथ लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार में जो ये लोग हैं अनपढ़ लोग, जिसके मां बाप दोनों चीफ मिनिस्टर रहे, इतना अत्याचार किया बिहार में, बर्बाद किया, वो अपने मां बाप के कार्यकलापों को की याद नहीं करता, बताता नहीं कि उसके बाप माए के दौर में बिहार का क्या भला हुआ, और साफ इंडिकेट कर दिया कि छोड़ूंगा नहीं। तो नीतीश के साथ आने से ऐसी राक्षस प्रवृत्ति वाले जिनने बिहार को बर्बाद किया, या फिर उसने बिहार को नहीं बर्बाद किया, लालू यादव सिर्फ बिहार को नहीं बर्बाद किया, लालू की राजनीति ने पूरे भारत को बर्बाद किया, क्योंकि लालू उस समय बिहार की सिर्फ सीमा तक नहीं था, वो देश का रेल मंत्री, वो किंग मेकर, लालू प्रसाद यादव ने इस देश को देवेगौर और मतलब ऐसी अस्थिर सरकार दी, और जब देश में अस्थिर सरकार होती है तो क्या कुछ होता है देश ने देखा है। मैं बता रहा हूँ मनीष जी, ये तो आपने नीतीश कुमार को प्रत्यक्ष नरेंद्र मोदी थे, अभी दर्शकों को बताऊंगा, अभी मैं आपको उत्तर प्रदेश का बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी का जरा कद और जलवा आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी तो बड़ी दूर की बात, उनका एक नौजवान शिष्य या भक्त कह लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी का एक भक्त, बहुत नौजवान भक्त, केवल उस नौजवान के डर से पूरा यादव परिवार या अखिलेश यादव पूरा परिवार थर 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 कांप रहा है इस चुनाव में, अभी उसका किस्सा बताऊंगा। तो ये मोदी तो बड़े मोदी इन लोगों की पहुंच से बाहर हो चुके, बाहर हो गए, वो चंद्रमा बैठे हैं, ये सब नीचे बैठे ताक रहे दूरबीन दूरबीन लेके, ये स्थिति है। और वो किस्सा बड़ा रोचक है जो अभी बताऊंगा उस शिष्य का भक्त का। तो मोदी को तो आज क्योंकि सामने पड़ गए, तो नीतीश कुमार की हालत आपने देखी,
एक भक्त ने अखिलेश यादव की क्या हालत कर दी है, कैसा डरा हुआ है ये पूरा यादव परिवार, ये अभी हम लोग बात करेंगे वो प्रधानमंत्री मोदी की रंगबाजी की। बिल्कुल नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद कहने के मैं मोदी के इस और इस शो का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, बहुत धन्यवाद आपका नितिन जी। उपेंद्र जी कह रहे सर एक सवाल उनसे, चूंकि सबसे शुरुआत वाला सुपर चैट था इनका, कि चुनाव आयोग चुनाव घोषित नहीं किया फिर भी मोदी ने बिफोर कैंडिडेट कहाँ उम्मीदवार होंगे लिस्ट बना दिया, इसके क्या मायने, ये जानना चाह रहे हैं। और इसको बताते हुए जरा इसको भी क्लियर किए कि अखिलेश यादव कह रहे हैं 195 सी उम्मीदवार घोषित किया, इसका मतलब बाकी पर बीजेपी ने हार मान ली। दूसरी तरफ पवन खेरा कह रहे हैं कि कांग्रेस का चूंकि मुख्य प्रवक्ता है इसलिए पवन खेरा की बात कर रहा हूं, वरना खेरा पेरा क्या है, कि उम्मीदवारों के नाम काट दिए, इसका मतलब मोदी ने स्वीकार कर लिया कि नकारे लोग थे, नरेंद्र मोदी माफी मांगो इस नकारों को उतारने के लिए। नहीं मनीष जी, खैर वो वाली बात है कि इनकी बात तो क्या, मगर जो वो सवाल है वो बिल्कुल वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि मुझको मनीष जी कोई चुनाव ऐसा याद नहीं आता। मैं कहता हूँ ना, मैं 85-84 के चुनाव के बाद से मुझको चुनाव याद है कि जो जो मैंने अपने होश आवाज में देखे हैं, कि संभवतः ये पहली बार भाजपा ने, तो पहली बार मेरे ख्याल से कोई पार्टी नहीं करती थी, कि अभी चुनाव की घोषणा नहीं की है, चुनाव की तिथियां नहीं आई है और प्रधानमंत्री मोदी ने 195 उम्मीदवार घोषित कर दिए। यह पहले कभी नहीं हुआ, हमेशा ये होता था। हर पार्टी, भाजपा नहीं कोई भी पार्टी, वो केवल ये अंदाजा करती थी कि सामने कौन आएगा, किस पार्टी का कौन सा प्रत्याशी होगा, इसका घोषणा पत्र क्या होगा और क्या हो, तो उस हिसाब से फिर वो अपने प्रत्याशी तय करते थे। और ये इसमें चुनाव की घोषणा तो छोड़ दीजिए, जब नामांकन के लिए 2-4-5 दिन रह जाते थे या 2 दिन रह जाते थे, तब पार्टियां अपने प्रत्याशी उतारती थी। यह पहली बार मैं देख रहा हूं, कम से भाजपा ने तो कभी नहीं किया कि घोषणा से पहले, अभी तिथियां नहीं मालूम है कि किस दिन क्या कहाँ चुनाव होगा, और वो 195, तो ये बता रहा आत्मविश्वास को कि प्रधानमंत्री मोदी के पास जो आत्मविश्वास का अथाह भंडार है, उसका नतीजा है जो ये आपने 195 उम्मीदवारों की सूची देखी। और इसको ऐसे समझ ले मनीष जी कि पिछली बार 2019 में भाजपा स्वयं जो है 435 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो उसमें से समझिए जो 435 सीटें, उनमें से 45% सीटें हैं ये 195, तो उसमें से 45% सीटें तो उसने डिक्लेयर कर दी, 45 का मतलब 5% कम है, आधी सीटें तो उसने अभी चुनाव की तिथि से पहले ही घोषित कर दी हैं। तो ये सोचिए कि क्या आत्मविश्वास है और उसको वो परिणाम को लेकर कितने निश्चिंत है प्रधानमंत्री मोदी। अन्यथा हमेशा मान लीजिए, ये तो बड़ा स्वाभाविक समीकरण होता है कि आदमी ये तय करते हैं इस सामने कौन प्रत्याशी आने जा रहा, पार्टी कौन उतारेगी, कैसा होगा, उस हिसाब से फिर वो अपना तय करते हैं, 2-3 आदमी का पैनल रखते हैं। लेकिन अब की प्रधानमंत्री मोदी को किसी की चिंता नहीं है और उन्होंने बहुत साफ कर दिया कि कोई आए मैदान में सबको तो निपटाया जाएगा। बिल्कुल सर, मुझे रमेश पटेल जी बहुत पुराने व्यूअर्स हैं अपने, चूंकि शिक्षक हैं, फिर उन्होंने एक लाइन दी है, इनकी लाइनिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसकी एक आवाज पर 60 करोड़ लोगों की डीपी बदल गई, 80 करोड़ लोगों के घर झंडे लहरा गए, ऐसे महामानव को कुछ चिरकुट सोचते हैं 2024 में हरा देंगे, बहुत महत्वपूर्ण नहीं, लाइन नहीं, है। नहीं, मैं रमेश पटेल जी से सहमत नहीं हूँ, ये इनका आकलन गलत है। अब ये पता नहीं, ये अभी मेरे ख्याल से 2-3 महीना पीछे चल रहा है रमेश पटेल जी। अब ये कोई नहीं सोचता कि हम 2024 में हरा देंगे, अब ये जुगाड़ सोच रहे हैं कि कैसे जो है कि 400 सिक्का वहां जाए, बस कि हम कह दें कि कहाँ 400 आई, अब की तो 380 आई या 390 आई, ये अब ये बहस कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की हालत बता रहा हूँ, यहाँ यहाँ पर ये इस पर बहस कर रहे हैं कांग्रेसी ये सफाई कि अरे 400 नहीं आएंगे, 400 कैसे आ जाएंगी, तो वो ये बात कर रहे हैं। अब वो अपनी जीत या मोदी की हार की बात नहीं कर रहे, अब वो इस पर बहस कर रहे हैं कि 400 कैसे आ जाएगी, 400 कभी नहीं आए, तो इंदिरा के समय में आई थी। तो रमेश जी अभी थोड़ा टाइम मशीन थोड़ा पीछे है, 2-3 महीने, वो दौर निकल चुका कि 2024 में हरा देंगे, अब अपने प्राण बचा रहे हैं कि 400 नहीं, 400 नहीं आएंगी, 400 कैसे आ जाएगी, इसमें बहस कर रहा है और ये विरोधी की बात कर रहा हूं। मतलब ये समझ नहीं है, जो कहते हैं कि गोदी मीडिया, जो कहते हैं कि भक्त, वो समझ नहीं पा रहे कि भाई एक व्यक्ति एक नैरेटिव चलाता है। गंभीर बात ये है कि एक व्यक्ति कहता है हर घर तिरंगा, तो पूरे देश के हर घर में तिरंगा लग जाता है। ये कोई डिक्टेटर नहीं है, वो व्यक्ति कहता है कोरोना काल में कि दिया जलाइए, टॉर्च जलाइए, लाइट जलाइए, पूरा देश अंधेरा करता है अपने घर को और सामने दिया जलाता है जहां से उम्मीद जगती है। जब वो थाली ताली का मजाक उड़ाया इन चिरकुटों ने, तो
तो समझ ही नहीं पाए कि एक नायक हताश भारत में, हताश जब दुनिया हताशा में थी एक ऐसी बीमारी में, तो उस देश को हताशा से कैसे निकाल रहा था। दरअसल ये चिरकुटों की टीम समझ ही नहीं पाई कि मोदी देश को कहां ले जा रहे हैं, और इन्हें लगता है कि लोग भक्ति कर रहे हैं, इन्हें लगता है कि लोग भक्ति कर रहे हैं। तो इसीलिए कि क्यों जब वो मुर्शिद जाप जा करके उस संदेश खाली के बगल में अपने कार्यकर्ताओं के लिए कहते हैं कि इन्होंने आपके लिए लाठी खाई है, सर क्या वहीं से वो जगाते हैं कि तमिलनाडु में भी जगेगा, केरल में जिन लोगों ने आरएसएस के लोगों को मारा है वहां पर भी कार्यकर्ता जगेंगे। मोदी के एक शब्द कैसे जोश भर देता है अपने कार्यकर्ताओं में, इसकी वानगी बंगाल में जब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बारे में कुछ कहा। नहीं मनीष जी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जनता पर क्या प्रभाव है, क्या जनता उनको किस निगाह से देखती है, ये तो 10 साल का इतिहास है। 2014 में 282, 2019 में 303 और अब की 370 गए, मेरे ख्याल से वो ब्रेक हो जाएगा, वो रिकॉर्ड वो भी ब्रेक हो जाएगा। तो लगातार तीन चुनावों में और लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है, तो ये असाधारण है, ये कभी नहीं हुआ। नेहरू का तो उस समय कोई विपक्ष होता नहीं था, सब कुछ उन्हीं के हाथ में था, इंडिया मीडिया। तो प्रधानमंत्री मोदी का क्या प्रभाव, ये भी बहस का मुद्दा नहीं है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती कि प्रधानमंत्री मोदी का कितना प्रभाव है कि नहीं, ये तो गलत बात है। और जो आपने कहा गोदी मीडिया या इस तरह की जो बातें करते हैं, तो उनके लिए आचार्य रजनीश एक बात कह गए मनीष जी, वो बहुत बड़ा उनका सिद्धांत है। आज ही मेरे एक मित्र थे, उन्होंने याद दिलाया, उन्होंने कहा कि जब सौ मूर्खों के बीच में बैठो तो चुप रहो, क्योंकि अगर उन सौ मूर्खों के बीच में बुद्धिक बात करने लगोगे, वो मूर्ख तुमको, वो सब सौ मिलके तुमको मूर्ख सिद्ध कर देंगे, वो मूर्ख एक बुद्धिमान आदमी को मूर्ख सिद्ध कर देंगे। तो ये वो काम करते हैं कि गोदी मीडिया अल्लाह मचाओ, भक्त है अल्लाह मचाओ, इनको मालूम है कि ये कह के आ रहा है, तो असलियत ये सच से दूर है, बहुत कोसों दूर है। और अब तो खैर मान गए मनीष जी, अब मोदी, मैंने कहा था गोदी मीडिया नहीं, अब तो ये इसी बात पर बहस करते हैं, इससे बात कर दीजिए कि 400 कैसे आ जाएंगे, अब इस पे आकर है मोदी हार जाएगा इस पे भाई बहस ये नहीं कर रहा है। मैंने सर इसलिए उसकी उस बात को आगे बढ़ाया कि किस तरह से देश ने उस कोरोना काल में लाइट जलाई, थाली ताली बजाई, इसलिए कि आप एक बार और, हम और आप अक्सर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मोदी की फैसले को कई बार हमें संदेह होता है, लेकिन फिर लगता है कि इस आदमी की नीयत खराब नहीं है। कई लोगों को ये लगता होगा, कुछ लोगों की जो टिकट कटे, जरा बारी बारी से समझाइएगा, जैसे रमेश बिदूरी का, तो कई कट्टरवाद हिंदुत्व है, उनको लगता है कि रमेश बिदूरी का टिकट क्यों कटा, उसने तो जवाब दिया सदन के अंदर। कुछ टिकट जिनके कटे हैं, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जरा, क्योंकि कई लोगों में एक तरह से एक नैरेटिव बन सकता है कि मोदी, जैसे कि वो जो है ना, जिसे आप लठैत कहते हैं, वो कहेंगे देखो पर कतर दिए, रमेश बिदूरी की जगह पे दिल्ली विधानसभा के में नेता प्रतिपक्ष को टिकट की गई, रामवीर बिदूरी को, कहीं ना कहीं समीकरण तो बनता है। जिन लोगों के टिकट कटे हैं, जो महत्वपूर्ण नाम है, जरा उससे समझाइए, उसके बाद हम कहेंगे जिनको महत्वपूर्ण को मिला है उसके क्या मायने, बारी बारी समझेंगे सर, जिसमें रमेश बिदूरी है, दिल्ली में मीनाक्षी लेखी है, दिल्ली का तो समझिए एक मनोज तिवारी को छोड़ के करीब करीब सबका टिकट कट ही गया है। अच्छा टिकट कट गया, अच्छा टिकट कट गया, जैसे अभी गौतम गंभीर वाली सीट पे कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो वो तो खुद ही उन्होंने माफी मांग ली कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो वो इज्जत बचा ली कि कटे उससे पहले खुद ही कह दो कि मैं नहीं लड़ूंगा। देखिए मनीष जी, प्रधानमंत्री मोदी के औरा को ये जब बदतमीजी लोग कर रहे थे, तो पहले दिल्ली की बात अगर करूं तो दिल्ली के लिए तो हम लोग लगातार इस बात की शिकायत करते रहे कि ये पांचों सातों सांसद जो है, मनोज तिवारी को टिकट मिल गया, वो कुछ और कारण होंगे उसके, कि ये सातों सांसद पूरी तरह से निष्क्रिय थे, एकदम निष्क्रिय, और ये कभी ये एहसास ही नहीं कराया कि दिल्ली में ये विपक्ष की, इनकी विपक्षी की भी भूमिका है केजरीवाल के रहते हुए। और जो सबसे पहले जो रमेश बिदूरी का टिकट कटा है, तो रमेश बिदूरी किस गलत फहमी के शिकार थे, ये मनीष जी, ये मैंने कहा ना, ये रंगबाज नेता से भिड़ गए कि ये अपने जाति अभिमान पे इन्होंने सब कुछ ताक पे रख दिया। जो संसद के अंदर इन्होंने दानिश अली के साथ किया था, दानिश अली के सब जानते कि हम लोग को उसके मतलब वो और ज्यादा इसका अधिकारी है, और वो धूर्तता और यह भारत विरोध, हिंदुत्व विरोध, सनातन विरोध, उसके लिए वो सारी सीमाएं पार करता है, लेकिन संसद के अंदर रमेश बिदूरी को ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी। आप जहां पे ताव दिखाना वहां ताव नहीं दिखाते, तो आपने वो उसको जो कह दिया था उस दिन, उसका असर क्या हुआ, कोई असर तो उसका नहीं हुआ, लेकिन वो पूरे देश में, दुनिया में जाके रोया गया कि बताओ संसद के अंदर सत्ताधारी दल का सांसद इस तरह की बातें वो कर रहा है।
रमेश भिंडूड़ी को अपने मन की ही आप नहीं करेंगे? इन इन सातों सांसद की बात करूं मनीष जी, ये अपनी औकात भूल गए। मैं जानबूझकर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि 2015 में जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ तो इन्हीं का तो इलाका था वो, 7 विधानसभा में 70 70 7 लोकसभा में 70 विधानसभा सीटें, और केजरीवाल 67 सीटें जीता था मनीष जी, 67। यानी एक तरह से उसने सफाया कर दिया था। अगर तुम्हारा बड़ा लोकप्रियता थी, तुम्हारी बड़ा प्रभाव था, तो कैसे जीत गया था? लेकिन जब वो 67 सीटें जीता, उसके बावजूद जब 2019 के चुनाव में आए मैदान में, तो मनीष छोटे मोटे प्रवेश वर्मा 5,78,000 वोटों से जीते, मीनाक्षी लेखी 2,56,000 वोटों से जीती, हंसराज हंस 5,55 लाख वोटों से जीते, रमेश भिंडूड़ी 3,67,000 वोटों से जीते, गौतम गंभीर 3,90,000 वोटों जीते। तो जहां पे वो 67 में 67 सीटें जीत रहा था विधानसभा में, जहां पे नरेंद्र मोदी मुद्दा नहीं थे वहां पे भाजपा साफ हो गई थी, और जहां पे नरेंद्र मोदी मुद्दा थे वहां 5 लाख 3 लाख 4 लाख वोटों जीत रहे थे। तो क्या तुम अपनी वजह से जीत रहे थे? अगर तुम अपनी वजह से जीत रहे होते तो विधानसभा में ये दुर्गति ना हुई होती भाजपा की। जीत तो नरेंद्र मोदी की वजह से रहते, तो फिर जो नरेंद्र मोदी ने एक मर्यादा की लाइन खींची है, बार बार वो संदेश दे रहे थे, तो ये कौन सी रणनीति रमेश भिंडूड़ी की थी जो संसद के अंदर उन्होंने की थी? बिल्कुल सही दंड हुआ। और वो ये तो कर उनका एक अलग स्पेशल मार्क्स है उनके, कि वो जो उनका बयान और संसद के अंदर आचरण था। वैसे भी मनीष जी, जो एक सांसद के रूप में सातों सांसद का आचरण कतई इस लायक नहीं था कि इनको दोबारा टिकट दिया जाए। मनोज तिवारी पा गए तो चलिए ठीक है, कोई कारण उसका रहा होगा, किस्मत में उनकी है, बाकी 6 कटे तो कटने भी चाहिए थे। और इसी तरह का एक टिकट और कटा है मनीष जी, वो भोपाल से साध्वी प्रज्ञा का, वो भी उसी वो लठैत वाली श्रेणी में। साध्वी जरा याद करिए कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे पूरा ये लुटियन मीडिया और सारे सेकुलर गैंग और पूरा विपक्ष ये लाठी लेके पीछे पड़ा था कि साध्वी प्रज्ञा को टिकट क्यों दे दिया। सबका विरोध सहकर प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव मैदान में उतारा था, और राजधानी भोपाल की सीट दी थी। तो फिर जिस आदमी ने इतना तुम्हारे लिए एक तरह से विरोध सहा है, उस आदमी की बात तो मानो। वो आदमी तुमको जो संदेश दे रहा कि जरा ठीक से ढंग से, तो आप समझने का नाम ही नहीं ले रहे। मतलब जब देखो तब बेलगाम, जब देखो तब बेलगाम। तो फिर वही बात है कि बेलगाम तो वो जो बाइडेन का तेवर वो बर्दाश्त नहीं करता, वो तेवर वो बर्दाश्त नहीं करता पुतिन का, कि जब बेलगाम होता शी जिनपिंग जब बेलगाम हो गया तो फिर उसको भी वो समझाता है वो प्रधानमंत्री। तो एक भोपाल की सांसद अगर बेलगाम हो जाए तो फिर उसको तो सबक सिखाने का पूरा अधिकार है प्रधानमंत्री मोदी को। और बिल्कुल ठीक का काटा टिकट, बिल्कुल ठीक काटा। हम आप मनीष जी यहाँ बैठ के बात करते हैं, एक अलग आदमी है, या जो और पार्टी का नेता बाहर कोई बात करता है उसकी बात छोड़ दी, या कोई पत्रकार कुछ कहता है। साध्वी प्रज्ञा भारतीय जनता पार्टी की सांसद थी, और मैंने कहा ना पूरा हिंदुस्तान का जो सेकुलर गैंग था वो प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पे लिया था कि साध्वी प्रज्ञा को टिकट क्यों दे रहे हो या क्यों दे दिया। वो सारा विरोध सहकर प्रधानमंत्री मोदी ने आपको भोपाल की सीट पर उतारा था, तो कुछ तो गरिमा गरिमा बना के रखते, कुछ तो मर्यादा बना। आपको लगा मतलब हम जो चाहेंगे वो करेंगे, जो बेलगाम हो जाएगी किसी की नहीं सुनेंगे? तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और उसका खामियाजा साध्वी प्रज्ञा को भोगना पड़ा, और बिल्कुल ठीक होगा, साध्वी प्रज्ञा और रमेश भिंडूड़ी उसी खाते में है, और बाकी दिल्ली के जो सांसद है वो उनको बदल देना बिल्कुल एकदम सही था। और सबसे खास बात जो आज मनीष जी विशेष प्रसन्नता हुई, पता नहीं वो वीडियो अभी आपने डाला है कि नहीं, कि जो नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है, बेहतरीन टिकट है। मैं तो ये मानता हूं कि आज जो 195 टिकट डिक्लेयर हुए हैं उनमें जो नए प्रत्याशी उतारे गए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ चयन जो है बांसुरी स्वराज का है, क्योंकि मैं 2-4 डिबेट में टेलीविजन पे सुन चुका हूँ बांसुरी स्वराज को। तो वो बांसुरी स्वराज में उनकी माता श्री सुषमा स्वराज की छवि बिल्कुल निखर कर आती है, बिल्कुल साफ याद दिलाती है वो अपनी माँ की। वो उनका बहुत बड़ा लंबा चलो अनुभव था 40 साल का समझिए, तो अभी उस वो परिपक्व होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बिल्कुल सही चयन है। और अगर ठीक से डेवलप हुआ तो दिल्ली की भाजपा को एक बड़ा नेता बांसुरी स्वराज के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने सौंपा है। अब ये कैसे ग्रूमिंग होगी आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल बेहतरीन है। और आज जो जिस तरह से पहली प्रतिक्रिया आई है मनीष जी,
वो बहुत शानदार है। बांसुरी स्वराज ने जो कुछ टिकट के बाद वो जो मुश्किल से 50 मिनट 50 सेकंड की क्लिप है, लेकिन ये बताने कि किस तेवर की नेता है वो, किस तेवर की नेता है वो, इलीट नेता वो नहीं है जैसे इलीट नेता तथा पहले दिल्ली की सांसद महोदया थी। ये बहुत सारा इलीट तो कुछ और है, जैसे मीनाक्षी लेखी, मुझे लगता है वहां भी आप इशारा कर रहे हैं कि वहां सब मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूं, उनकी मैं मीनाक्षी व्यक्तिगत लेखी के लिए कह जान रहा हूं। पहचान है उनसे। सुप्रीम कोर्ट की लॉयर रही हैं, दिल्ली हाई कोर्ट की लॉयर रही हैं, तो मतलब बातचीत होती थी एक समय, बेहतर ऑरेटर तो थी, लेकिन एक होता है ना कि गुमान कि मीनाक्षी लेखी में, मुझे लगता है कि चूंकि शो भी देखती हैं मीनाक्षी जी हमारी बातचीत, लेकिन मीनाक्षी में इस बात का गुरूर हमेशा रहा है कि वो पीएन लेखी की बहू है। तो ये जब आदमी को हो जाता है ना, और आप काम काज में कहाँ होते हैं, इसीलिए इस बात को समझना, और हम लोग अक्सर इस बात को लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने फैसला, हाँ, और आप तो अक्सर कहते थे कि दिल्ली का सातों सीट काट देना चाहिए। मुझे याद है कि आप भी अक्सर कहा करते थे कि दिल्ली में इन सातों नक्कारे को हटा देना चाहिए, तो करीब करीब पांच में तो चार हटा ही गए हैं, बाकी भी मुझे लगता है करीब करीब वैसे ही हैं नहीं नहीं पांच, अभी। नहीं नहीं मनीष जी, पांच तो बदल गए, पांच बदल गए। वो छठा जो है गौतम गंभीर, देखिए उस सीट वो भी, उसको भी बदले जानी है आप। अब देखिए उस्ताद जी कह रहे हैं कि क्या साध्वी प्रज्ञा और रमेश बिधूरी को टिकट नहीं देना घातक हो सकता है? मधु किश्वर जैसे लोगों को को बतियाना चालू करेंगे कि हिंदुओं के लिए खुल्लम खुल्ला लड़ने वालों को भाजपा बाहर का रास्ता दिखा रही है, इसीलिए हिंदू घर ही बैठे, ऐसों को क्या उत्तर दिया जाए? अब देखिए उस्ताद जी, मैं हमने शुरुआत में इसी बात को उठाया, सतीश जी ने इसको क्लियर भी किया कि नैरेटिव, मैं जरा एक लाइन पहले बोल दूं, उसके बाद सर बताएंगे उसको, कि यदि फैसला लेने वाले पर आपका भरोसा होता है, इसीलिए हमने कहा जब रमेश जी जो का बात कह रहे थे, वो बहुत महत्वपूर्ण बात वो थी कि एक आदमी के कहने पर जब 60 करोड़ लोग तिरंगा लगा ले, अपने सोशल मीडिया का प्रोफाइल चेंज कर ले, इसका मतलब उसके मायने हैं। तो चाहे साध्वी प्रज्ञा हो, चाहे वो रमेश बिधूरी हो सकता है रमेश बिधूरी को यदि यही स्थिति है तो उनको कहीं केजरीवाल के कंधे पर बैताल तो नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि मोदी जानते हैं कि इस हथियार का कहां इस्तेमाल किया जाए, लेकिन एक नैरेटिव तो षड्यंत्रकारी बनाएंगे सर, जो उस्ताद जी कह रहे हैं। नहीं नहीं नंबर इनका नाम लेना मुझे समस्या आती है, ट्विटी दीन हाँ खान जी हैं, इनको मैं बता दूं कि क्या आपको क्या लगता है कि भोपाल की सीट साध्वी प्रज्ञा की वजह से जीते थे, या जो या साउथ दक्षिण दिल्ली दिल्ली रमेश भदुरी जीत क्या गए थे। रमेश विदुड़ी की वजह से जीते? तो मैंने अभी बताया कि इन्हीं लोगों के रहते हुए विधानसभा में केजरीवाल ने सफाया कर दिया था, ये प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे जीते थे ये लोग। अगर इनमें बड़ी काबिलियत होती, बड़ा इनका जनाधार होता, लोग इनको मान रहे होते, तो कोई केजरीवाल 70 में 67 और 70 में 63 दो बार लगातार इस तरह की सीटें वो न जीतता। तो इनकी क्षमता उसको छोड़ दीजिए, ये दिमाग से कहीं दूर दूर तक भी मत लाइए, तो वहां कहानी कुछ और है। और ये इन लोगों को गलत फहमी हो गई थी, वो गलत फहमी प्रधानमंत्री मोदी ने एक झटके में दूर कर दी, और केवल इनकी नहीं दूर की, दूर तो उन्होंने बहुत बहुत लोगों की। आज मैं अभी जब उत्तर प्रदेश के हम लोग बात करेंगे तो आप समझ में आएगा। ये सर, चूंकि रमेश बिधूरी के जगह पे जिनको दिया गया हो, दिल्ली के विधानसभा के अध्यक्ष हैं रामबीर बिधूरी, तो इनका कद रमेश बिधूरी से ज्यादा बड़ा हमेशा रहा है, चूंकि वो बोलने में और इस तरह से उनका स्वभाव रहा है, और रमेश बिधूरी हो या रामबीर बिधूरी हो, मोदी के नाम पर जीतेगा कोई भी, और कद रामबीर बिधूरी का, उनका जो कहते हैं ना कि एक ऑरा जो है वो कहीं भी रमेश बिधूरी से कमतर नहीं है, उसी इलाके के हैं और तमाम समीकरण में साथ हैं। क्या आपको लगता है कि रमेश बिधूरी को दिल्ली में उतारने के लिए केजरीवाल के स्टाइल के लोग भी होने चाहिए, इसलिए भी ऐसा हो सकता है क्या? ये प्लानिंग ये भी एक हो सकती है क्या? नहीं नहीं क्योंकि इस मनीष तरह जी, की उदंडता केजरीवाल सदन के अंदर करते हैं, दिल्ली में 3 विधायक होने के बाद भी केजरीवाल को केजरीवाल के स्टाइल में जवाब, खैर मुझे लगता है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, केजरीवाल तो तब तक जेल ही चला जाएगा, कोई जरूरत उसकी पड़ेगी नहीं। नहीं केजरीवाल ने तो मनीष जी केक वाक दिया है। मैं केवल नई दिल्ली की बात कर लूं कि बांसुरी स्वराज के सामने उसने जो सोमनाथ भारती को उतारा है, जो 2 साल का बकायदे सजा है आपका, उसको 2 साल की सजा है कोर्ट से, वो तो 3 साल की हो जाती तो लड़ी ना पाता, वो 2 साल की सजा, 2 साल की सजा उसको दे चुका है कोर्ट, वो भी महिलाओं से अब दुर्व्यवहार के लिए, तो वो तो अपील में बचा हुआ है, अभी जमानत में एक तरह चल रहा, अपील कर दिया, अब अपील में हमारे यहाँ न्याय प्रक्रिया बरसों चलती है,
तो एक तो महिलाओं के साथ आपत्तिजनक व्यवहार करने के कुकर्म में उसको 2 साल की सजा उसको दे चुका है कोर्ट। उसके अलावा उसकी पत्नी ने जाकर उसके खिलाफ FIR लिखाई, ये मुझको मारता है जानवरों की तरह, ये मुझको कुत्ते से कटवाता है, ये मुझे ये मार डालने की धमकी देता है, ये किसी और रास्ता चलती है, भाजपा की किसी नेता ने नहीं FIR कराई है, सोमनाथ भारती के खिलाफ उसकी पत्नी ने ही थाने में FIR कराई हुई है, जो वो भी केस उस पर दर्ज है। इसके अलावा जिस समय इसने गोरख धंधा शुरू किया था राजनीतिक पार्टी बनाने का, उस समय मनीष जी एक नहीं अनेक तथ्य निकल कर आए थे, ये सोमनाथ भारती एक आदमी के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया से एक पोर्न वेबसाइट चलाता है जिसमें बच्चों के पोर्न वीडियो ये डालता है। तो इतने कुकर्मी आदमी को बांसुरी स्वराज के सामने उतार कर उसने केजरीवाल ने वॉक ओवर दे दिया। अब ये भाजपा वहां कैसे करती है? हालांकि मैंने कहा कि आज जिस तरह से बांसुरी स्वराज के जो तेवर दिखाई दिए हैं तो चिथड़े उड़ा देंगी वो आम आदमी पार्टी के, और खासकर जब इस तरह का उनको एक दिया गया है सोमनाथ भारती जैसा विरोधी, तो सोमनाथ भारती को अपनी जान बचाना मुश्किल होगा। चुनाव अभियान जरा शुरू होने दीजिए। सर, अब जरा सा चीजों को उस हिसाब से समझें कि ये जो उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से दिया गया, दिल्ली को तो हमने समझ लिया, उत्तर प्रदेश में जो टिकट का बंटवारा हुआ है जिस तरह से, उसे किस रूप में देखते हैं? हेमा मालिनी का टिकट बरकरार रहना अब और मैं बताता हूँ मनीष जी, देखिए पिछली बार भाजपा यहाँ से 62 सीटें जीती थी अपनी, बाकी दो जो थी वो सहयोगी दल की थी, 62 सीटें जीती थी। बाद में आजमगढ़ की वो निरहुआ जीते उपचुनाव, और रामपुर में आजम की सीट वो घनश्याम लोधी जीते, तो कुल सीटें हो गई थी 64। और आज जो भाजपा ने अपनी सूची जारी की है 51 उम्मीदवारों की, उसमें से 20 सिटिंग सांसदों के नाम गायब हैं, बीस जी सिटिंग सांसदों के नाम गायब हैं। तो वो उनके नाम क्यों गायब हैं, ये आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसका मतलब उनका टिकट कटा। बाकी तो 64 में से 20 गायब हैं, तो 44 को तो उन्होंने रिपीट किया, बाकी जो 7 सीटें हैं वो जो हारी हुई सीटें थी, ये जो भाजपा के सांसद वहां नहीं थे। हाँ ये तो बनी थी जो आज इन्होंने डिक्लेयर किया 51। जी आप जरा 20 आप इससे समझ लीजिए कि मैं जो कह रहा हूँ रंगबाज नेता और प्रधानमंत्री मोदी को उद्दंडता कतई नहीं पसंद है, और जो तेवर दिखाने की कोशिश करता है उसको कैसे अब जिन जिन 20 सांसदों के टिकट कटे हैं उससे आपको कहानी पूरी 51 की समझ में आ जाएगी। सबसे पहला नाम मनीष जी मेनका गांधी सुल्तानपुर, नाम नहीं है आज की सूची में। वरुण गांधी पीलीभीत, नाम गायब है आज की सूची में। रीता बहुगुणा जोशी प्रयागराज, नाम गायब है आज की सूची में। ब्रजभूषण सिंह कैसरगंज आज की सूची में, नाम गायब है। और ब्रजभूषण सिंह का नाम गायब होना और एक नाम का होना ये बता देता है कि प्रधानमंत्री मोदी को कैसा व्यक्ति सूट करता है, कैसा व्यक्ति उनको पसंद है। कि ब्रजभूषण सिंह का तो नाम मनीष जी आज की सूची से गायब है, लेकिन अजय मिश्रा टेनी का गायब नाम नहीं गायब है। उसकी वजह है कि जिस समय ये पूरा देश का लफंगे पीछे पड़ गए थे, खालिस्तानी गुंडे पीछे पड़ गए थे, पूरा लुटियन मीडिया पीछे पड़ गया था, अजय मिश्रा टेनी ने कतई कोई बदतमीजी नहीं की थी, चुपचाप मौन साध लिया था कि जो कुछ होगा कोर्ट फैसला करेगी। तो उसको और कोर्ट में लगातार टेनी की जीत होती चली जा रही है, दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी को इतने धीरज वाला व्यक्ति पसंद है, और अजय मिश्रा टेनी का अपना वहां उस क्षेत्र में इलाके में अपना एक प्रभाव है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कितना समझिए, टेनी के लिए भी मोदी ने पूरे देश का विरोध झेला और उसके बाद भी टिकट दिया है। ब्रजभूषण सिंह ने ये जो पहलवान गैंग वाला हुआ था उस पर खुलकर प्रधानमंत्री मोदी या सरकार साथ खड़ी थी कि तो एक अभियान के तहत एक साजिश के तहत इनके ये हुड़दंग किया जा रहा है। उस समय ब्रजभूषण सिंह को जो मौन साधना चाहिए था वो मौन नहीं साधा, वो फिर वो रंगबाजी वो दिखाने लगे। तो रंगबाज प्रधानमंत्री जिसका दुनिया में रंगबाज है उससे रंगबाजी दिखाओगे तो फिर परेशानी उत्पन्न होगी। तो आज ये मैंने कहा ये जो बड़े नाम कटे हैं ये इनको सबको लाइन पे लगा दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। अब अन्य बताता हूँ जो बड़े नाम, जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से आज नाम नहीं है सूची में, क्यों नहीं है? जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से गायब है। संतोष गंगवार बरेली का, इनका इनकी उम्र के हिसाब से मेरे ख्याल से किया है, फिलहाल संतोष गंगवार नहीं है।
राजेंद्र अग्रवाल मेरठ, ये भी इनको भी उम्र के इलियट किया है, और सत्यपाल सिंह बागपत। तो वो बागपत से मेरे ख्याल से नाम इसलिए नहीं है क्योंकि सत्यपाल सिंह की वाली सीट आरएलडी को दे दी गई है समझौते में। वो बिल्कुल अभी रात में आया कि बागपत और बिजनौर दो सीटें आरएलडी को दी गई है, तो सत्यपाल सिंह का नाम संभवतः इसी वजह से सूची में नहीं है। और एक नाम और बताऊं आपको, वो स्वामी प्रसाद मौर्या की बिटिया संघमित्र मौर्या, संघमित्रा मौर्या है, संघमित्र मौर्या है, बदायूं से, सूची से नाम गायब है। बीरेन सिंह मातम, बीरेन सिंह मस्त बलिया से नाम गायब है। सतीश गौतम अलीगढ़ से नाम गायब है। सत्यदेव पचौरी कानपुर से नाम गायब है। ये बड़े नाम है, ये बड़े नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जब आप सांसद स्तर के चुनाव की बात करते हैं। रमापति राम त्रिपाठी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष देवरिया से नाम सूची में नहीं है। वीपी सरोज मछली शहर से थे। अक्षय वरगौड़ बहराइच से, अक्षय और बहराइच से थे। तो इस तरह से 20 नाम है, बाकी नाम छोटे छोटे नाम, उतने महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि ये मेनका गांधी, वरुण गांधी, रीता बहुगुणा जोशी, ब्रजभूषण सिंह, जनरल वीके सिंह, ये इन नामों का गायब होना ये अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के पास हर सीट की सी रिपोर्ट है और हर सांसद की भी रिपोर्ट है। तो इसमें आप अपने मनमानी कर लेंगे या जैसा चाहेंगे आप ब्लैकमेल कर लेंगे, तो कम से कम इस रंगबाज प्रधानमंत्री के साथ तो ये नहीं हो पाएगा, अटल जी के साथ हो जाता था। कुछ व्यूअर्स याद दिला दे रहे हैं कि सर कि आप लोगों ने वरुण गांधी के लिए कहा था कि इसका टिकट कटना चाहिए और मेनका गांधी का, तो ये बात भी एक तरह से चीजें पहुंची हम लोगों ने। मुझे याद है कि उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था वरुण गांधी की का जो अनुशासनहीन रवैया था। हमने तो कई शो में कहा था कि वरुण गांधी को टिकट मिला क्यों। अब देखिए कि माँ के साथ ये इस आदमी को भ्रम था कि उत्तर प्रदेश का सीएम हमें बना दिया जाएगा, लेकिन गांधी परिवार के हम हैं, इन सबको औकात बता दिया गया है, सीमा से बाहर अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझ बैठे हुए थे। मरीज जी, ये वाली सूची में मैंने ब्रजभूषण सिंह और टेनी का नाम इसीलिए लिया कि ये सूची एक संदेश और दे रही कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है और पूरी दुनिया आपके खिलाफ है तो भी प्रधानमंत्री मोदी आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन फिर आपको उनकी शर्तों को मानना पड़ेगा। आप ये अपने हिसाब से नंगा नाच नहीं करेंगे कि आपके मन में जो आ रहा है, अगर उनको गलत हो रहा है तो कोई भी आपके खिलाफ हो वो आपके साथ खड़े होंगे। ये उन्होंने दोनों में दिखाया था, टेनी भी और ब्रजभूषण में भी, लेकिन टेनी ने उस हिसाब से आचरण किया जैसा करना चाहिए था, ब्रजभूषण सिंह ने नहीं किया था और उसका खामियाजा भोगना पड़ रहा है। सर मगर टेनी को लेकर क्या आपको लगता है अभी तक खैराती तक ये खबर हो सकता है उन्होंने इस गहराई में नहीं हुआ होगा। कल से तो खैराती कूद जाएंगे टेनी को लेकर के किसान नहीं नहीं विरोधी। नहीं 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 मनीष जी, बता दूं, और जैसे इन्होंने याद दिला कि अगर ध्यान हो तो संभवतः 6 महीना पहले मैंने, बल्कि और पहले कहा था, और उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय कहा था, जिनको अगर याद हो जो रेगुलर दर्शक हो, टेनी अपनी विधानसभा पे जहां पे वो हत्याकांड हुआ था जिसको लेके पूरे देश का खैराती नाच रहा है, आज भी कपड़े उतार के नाच रहा है, तो वो जो खालिस्तानी गुंडे मारे गए थे चार, तो उन्होंने चार चार निर्दोष नागरिकों की भी हत्या की थी डंडों से पीट पीट के। तो ये दिल्ली का लुटियन मीडिया उन चार लोगों की बात नहीं करता, ये खालिस्तानी गुंडे बात नहीं करते, ये इनके तथाकथित ये सेकुलर नेता बात नहीं करते, लेकिन लखीमपुर की जनता उन चार हत्याओं को नहीं भूलेगी, किस तरह से डंडों से पीट पीट के उनको मार डाला गया था। और उसका नतीजा ये जब इन्होंने मनीष जी नंगई वहां की थी टेनी के क्षेत्र में, उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा का जब चुनाव हुआ था, लखीमपुर की 8 विधानसभा सीट भाजपा जीती थी, और जहां पे इन्होंने नंगनाच किया था, जहां पे इन्होंने हत्याएं की थी और चार गुंडे जहां मारे गए थे खालिस्तानी, वो सीट जो टेनी के परिवार मतलब घर वहीं पे है, वो सीट भाजपा 45,000 वोटों से जीती थी। तो लखीमपुर की जनता ने तो उसी समय जवाब दे दिया था कि वो इनके नंगनाच से उसको कोई परेशानी नहीं है, उसको कोई वो नहीं है, और वो टेनी के बारे में क्या सोच रही है। तो लखीमपुर की 8 सीटें और वो पर्टिकुलर विधानसभा जहां से टेनी अपने लड़के को लड़ाना चाहते थे, वहां से 45,000 वोटों से भाजपा जीती थी। तो लखीमपुर का फैसला जनता की अदालत में हो चुका और अभी फिर हो जाएगा 2024 में। और मैं आपको बता दूं, नाम नहीं लूंगा, एक बहुत ठीक ठाक सज्जन है, उनसे मैंने कहा था तो वो उनको लगा था कि मैं बड़ी बचकानी बातें कर रहा हूँ, उनका मानना था कि
कि ट्रेनी का टिकट अबकी प्रधानमंत्री मोदी काट देंगे। मैंने कहा था ट्रेनी का टिकट प्रधानमंत्री मोदी नहीं काटेंगे, क्योंकि असलियत तो मालूम है ना कि हम लोग जान रहे, तो देश का प्रधानमंत्री भी जान रहा कि लखीमपुर का सच क्या है, लखीमपुर का सच क्या है। तो आज उसका परिणाम सामने, और टेनी का, और टेनी जीतेंगे वहां, फिर बता रहा हूँ, टेनी वहां जीतेगा, बम्पर जीतेंगे, क्योंकि लखीमपुर की जनता उस सच को जानती है, जिस सच को ये दिल्ली के दलाल मीडिया ये न्यूज चैनलों पर 5 बजे से रात में 9 बजे तक लगा के लिपस्टिक और टाई वाई बांध के जो बैठते हैं, उस सच को ये नहीं बताना चाहते, लेकिन उस सच को उत्तर प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में बताया था और अभी लोकसभा में फिर बताएगी। और वो जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव तो परिणाम जो था लखीमपुर का वो, और 2024 का लोकसभा चुनाव जो परिणाम आएगा लखीमपुर का, वो इन सबके मुंह पर फिर जूता मारेगा, वो फिर जूता मारेगा। बिल्कुल, और ये सब नैरेटिव तो गढ़ेंगे ही, मुझे लगता है कि आज से इस प्रपंच करना शुरू कर दिया हमारा भारत को बदनाम करने के लिए, कि जिसने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दिए, क्योंकि तो नैरेटिव ये लोग ऐसे ही गढ़ते हैं। एक और सीट का मनीष जी जिक्र कर दूं, जो मैंने कहा था ना, मैं बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी तो बहुत इन लोगों की पहुंच से बाहर हो गए, उनका एक भक्त कह लीजिए, शिष्य कह लीजिए, नौजवान उम्मीदवार, उससे अखिलेश यादव को कैसा डर लग रहा, पूरा परिवार कैसा डर रहा है, उसका नाम है कन्नौज का सांसद सुब्रत पाठक, जिसने पिछले चुनाव में डिंपल डिंपल यादव को हराया था। और मैं बता रहा हूँ कि अखिलेश यादव को कितना डर लग रहा है, इससे समझिए कि कन्नौज वो सीट है जहां से जब मुलायम सिंह ने इटावा छोड़ा तो सबसे पहले उनकी चॉइस कन्नौज बनी थी। कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ का, एक तरह से कहा जाता कि समाजवादी पार्टियों का मक्का या यादवों का मक्का उसको कहा जाता था राजनीति के रूप से। और वहां पर सुब्रत पाठक ने 2014 के चुनाव में भी मनीष जी डिंपल यादव को हरवा दिया था, लेकिन तब यहाँ पे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी की सरकार, तो पूरे प्रशासन ने आखिर समय में सबको बाहर करके किस बेईमानी से जितवाया था डिंपल यादव को, तो ये सब जानते हैं। लेकिन 2019 का जब चुनाव हुआ तो सरकार बदल चुकी थी और डिंपल यादव को अगर सुब्रत पाठक ने हराया, और मैं बता रहा हूँ कि डर क्या कि मोदी तो छोड़ दीजिए, सुब्रत पाठक से इतना डर लग रहा है अखिलेश यादव को कि अब की डिंपल यादव को कन्नौज से नहीं उतारा, अब की डिंपल यादव को मैनपुरी से उतारा। और मैं बता रहा हूँ कि ये यादव परिवार के ऊपर सुब्रत पाठक का भाई कैसे काम कर रहा है कि डिंपल यादव मैनपुरी और वो चाचा शिवपाल यादव, तो वो हर जगह जहां मुलायम सिंह वहां मैं, वो चाचा भी कन्नौज से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, वो चाचा चले गए बदायूं। और उसके बाद बच्चे अखिलेश यादव, तो अखिलेश यादव ने अपना राजनीतिक सफर, संसदीय राजनीति का सफर कन्नौज से ही शुरू किया था। अखिलेश यादव भी कन्नौज से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, और अखिलेश यादव इसीलिए गुड्डू जमाली पकड़ के लाए आजमगढ़ का कि मैं आजमगढ़ से चुनाव लड़ूंगा। तो एक जो मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री मोदी का भक्त कह लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी का शिष्य कह लीजिए, उससे तो पूरा यादव परिवार में कोई लड़ने को, उसका सामना करने को तैयार नहीं है। डिंपल यादव कन्नौज छोड़ के भागी, शिवपाल यादव छोड़ के भागे अखिलेश यादव, और कन्नौज में कोई सुब्रत पाठक के सामने खड़ा होने की कोशिश नहीं कर रहा। और ये मूर्ख बैठ के बता रहा है कि वो यूट्यूबर कि मोदी अब की चुनाव वाराणसी में भी हार सकते, तो इनको सालों को पकड़ के आगरा भेज दिया जाए, ये कहा जाए और क्या कहा जाए। बिल्कुल, और आपने अच्छा जिक्र किया, तब देखिए इसका मतलब अखिलेश विधानसभा से भागने की तैयारी में, जो जलालत हो रही है अखिलेश यादव की, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ रोज जलील करते हैं। देखिए अखिलेश को जब अपमानित करते हैं योगी, तो पूरा जो MY समीकरण जो नशे में है, भारत द्रोह, सनातन द्रोह, वो सब कांपता है। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होता कि सदन में जब योगी को बोलना होता है, वो अखिलेश यादव को बउआ बना करके, बबुआ बना करके जलील नहीं करते। तो क्या आपको लग रहा है कि अखिलेश विधानसभा छोड़ करके भागने की तैयारी में है, कि दिल्ली में रहेंगे तो कम से कम शानदार कोठी मिलेगा पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर, और CBI का जो केस चलेगा, आप तो फंसना है। मेरा तो सर पूरा मानना है कि अखिलेश यादव पर CBI अभी तो गवाह के रूप में बुलाया है, अखिलेश यादव तो CBI के गिरफ्त में आएंगे, और उनका पुराना खेल भी खुलेगा जो विश्वनाथ चतुर्वेदी वाला मामला है, मुझे पूरा विश्वास है वो भी खेलेंगे। तो विधानसभा छोड़ के अखिलेश भागना चाहते हैं, इसीलिए एक जिहादी को लेकर के आजमगढ़ में लाए हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ मनीष जी, जाना तो लोकसभा चाहते हैं, जो मालूम है कि यहाँ तो बाबा रोज जब बाबा के सामने बैठ जाते हैं, बाबा बहुत बुरी तरह से धो देते हैं वॉशिंग मशीन में, तो बाबा के सामना करने से बचना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ना तो उतना समय देंगे, ना इतना इनको धोने पर ध्यान देंगे, बाबा तो पूरा ध्यान इनको धोने पर लगाए हुए, लगातार धो रहे हैं।
तो ये बाबा, लेकिन समस्या मनीष जी दूसरी है कि जो दो तीन सुरक्षित सीटें थी तो एक मैनपुरी डिंपल को भेज दिया, बदायूं चाचा चले गए। तो बता दूं बदायूं की भी वही स्थिति, जैसे मैंने कहा ना कन्नौज को यादवों का मक्का कहा जाता है, ऐसे बदायूं को यादवों का वेटिकन कहा जाता है, वो भी तो बाबा चाचा ने वो पकड़ ली। तीसरी सीट नहीं समझ में आ रही अखिलेश यादव को लड़े कहाँ से, इसीलिए वो आजमगढ़ वही गुड्डू जमाली तो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता गैंग है बसपा का था, उसको तोड़ के लाके फिलहाल अखिलेश यादव घेराबंदी करने में लगे हैं कि कम से कम आजमगढ़ की सीट सुरक्षित हो जाए, क्योंकि वहां भी अब की लाले पड़ेंगे। तो मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री मोदी या गोयल, योगी की बात छोड़ दीजिए, ये तो पहुंच से बाहर हो गए, ये सुब्रत पाठक से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है यादव परिवार। ये सोचिए ये जलवा प्रधानमंत्री मोदी का तैर रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। और बिल्कुल इस बात पे समझना पड़ेगा कि इन लोगों का कैसा आतंक था। मतलब जिस उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, बिहार से भी कोई ऐसी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, माफियाओं का बोलबाला था, वो खत्म हुआ। और इन इससे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी के बल पे ये लोग जीत काबिज होते थे। जातिवाद का जहर, तुष्टीकरण, MY समीकरण का जहर, उसकी कब्र एक तरह से खोद दी गई है उस उत्तर प्रदेश में जहां जलवा था इन लोगों मनीष जी, का। एक उत्तर प्रदेश के गुजराती वहां बहुत आया, एक गुजराती वहां आया और बनारस में उसने अंगद के पांव जमाए, जो लोग खैराती कहते बनारस से तो हारेंगे ही, और ये पूरा हाथ मसल मसल के चिरकुटों की टोली। मतलब मुझे लगता है कि सालों तक ये बेशरम पत्रकारिता के सिरमौर बने रहे, इनको इतनी जमीनी हकीकत नहीं पता। इस सेकेंड टर्म ये कह रहे थे कि मोदी मोदी तो बनारस से हार जाएगा। आप मनीष जी, मैंने कहा ना कि यूपी की स्थिति दर्शक है, जो हम लोग यूपी के बाहर है, जो NRI है, आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, 80 सीटें हैं, तो ये यही से रास्ता जाता है दिल्ली का। यूपी की स्थिति आप एक और तथ्य से समझ लीजिए, मैंने सुब्रत पाठक का आपको बताया, प्रधानमंत्री मोदी छोड़ दीजिए तो इन सब चीजों से परे हो चुके हैं, कि लखनऊ को बता रहा हूँ जिस राजधानी की बात हो रही है, यहाँ से राजनाथ सिंह तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोग कहते हैं ना एंटी इनकम्बेंसी है वो, तो राजनाथ सिंह की भी लखनऊ में मनीष जी ये स्थिति है। जैसे मैंने कहा ना कि अब तो ये कहराती ये कहने लगे कि 400 नहीं आएंगी, तो राजनाथ सिंह के लिए अब ये बहस हो रही है, ये चर्चा हो रही है कि राजनाथ सिंह 3 लाख से जीतेंगे या 4 लाख से जीतेंगे। ये है, मतलब हारने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जो बनारस की बात कर रहा है, मैंने कहा इनको तो सबको बोरे में बंद करके आगरा पागलखाने भेज देना चाहिए। लखनऊ में आपको कोई आदमी ये इस पर चर्चा करता नहीं मिलेगा कि आपके राजनाथ सिंह हार भी सकते हैं या थोड़ी टफ फाइट है। अब यही बात हो रही कि राजनाथ सिंह की जीत का अंतर 3 लाख वोटों का होगा या 4 लाख का वोट, 4 लाख वोटों का, और वो भी तब जब 2 बार 10 साल से वो सांसद हैं। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश का चित्र है, ये किसी एक आदमी का या एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की स्थिति नहीं है। और इसीलिए आप सोचिए कि अभी जो ये 51 सीटें आई है, इनमें 44 सांसद रिपीट किए गए हैं, जो मैंने अभी आपको 20 सांसद गिनाए, तो अब देखिए आगे क्या होता है। उसमें सर ये कहीं तो बता रंगबाज दूं कि की मेनका गांधी, वरुण गांधी ये तो नहीं होंगे, रीता बहुगुणा नहीं होंगी, ब्रजभूषण नहीं होंगे। सर आप जब रंगबाज की बात करते हैं, देखिए बसपा एकदम जैसा लग रहा है कि निर्णय विहीन हो गई है, लगी नहीं रहा वो कहीं है। अखिलेश यादव का जो है CBI का जो खौफ है, मतलब तुम्हें गवाह के रूप में बुलाया गया तब भी तुम भाग रहे हो। क्या आपको लग रहा है कि अखिलेश डर गए हैं एकदम से, कि भले ही गवाह के रूप में बुलाया गया है लेकिन कहीं गिरफ्तार ना कर ले? फिर इस गठबंधन पे क्या असर पड़ेगा? डरा व्यक्ति क्या गठबंधन कर पाएगा? ये जो दोनों लौंडे जो उतरेंगे वहां पे, दो लौंडे जो आप कहते हैं, तो फिर ये क्या कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में? वो तो ना लंदन में ना जाकर के झाल बजा रहा है, अलग गोटी सेट कर रहा है, इधर हिमाचल में सरकार जा रही है, उसे कुछ पता ही नहीं। उसके साथ गठबंधन करके क्या कर लेंगे अखिलेश? ना ना वो गठबंधन तो कोई मतलब नहीं, फर्जी हाल वाड़ा है वो। तो मैंने कहा था बसपा और सपा का जो गठबंधन हुआ था उससे मजबूत गठबंधन हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो सकता। जो यूपी में हुआ था और पिछले लोकसभा चुनाव हुआ था तब ये कुछ नहीं कर पाए थे। असलियत ये है कि अखिलेश समाजवादी पार्टी की या अखिलेश यादव की स्थिति बसपा से बदतर है आज की तारीख में। मैं फिर कह रहा हूँ, जो करें कोई ये नहीं बोल रहा उसका कारण बता दूं कि अगर वो जो छोटा क्या कह पजामा रहे हैं बड़ा आप, कुर्ता है ये क्या कह रहे हैं आप, बसपा से भी बदतर स्थिति है? ना मरीज जी, मैं अब उसका कारण बता रहा हूँ, सहमत हो जाएंगे लोग। वो जो आपको बसपा से ऊपर सपा नजर आ रही है,
वो कोई और कोई कारण नहीं है, वो जो मैंने कहा ना छोटा कुर्ता छोटा पजामा बड़ा कुर्ता गैंग है, वो पूरी तरह से बौराया हुआ है। बस अगर आप बाकी बाकी वोट की बात कर लीजिए तो बहुजन समाज पार्टी के पास ज्यादा वोट है समाजवादी पार्टी से, लेकिन क्योंकि वो जो वो थोक में चला आता है उसी वजह से इसने कांग्रेस से समझौता किया है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। तो बसपा के पास अगर आप जलाधार की बात करिए तो उससे ज्यादा, लेकिन वो जो वोट बैंक शिफ्ट होता है तो वो 14-15% का वोट वो इधर है, उसकी वजह से आपको समाजवादी पार्टी ऊपर नजर आती है। अगर उस वोट बैंक को माइनस कर दीजिए तो बसपा ज्यादा बेहतर स्थिति में, ये मैं कह रहा था। सर, दक्षिण भारत में भी एक निर्णायक हुआ है, जिस तरंगबाजी की आप बात कर रहे हैं, हाँ एके एंटनी, चर्चा करना बहुत जरूरी है। एके एंटनी भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, कांग्रेस में जिस किसी की छवि यदि ठीक ठाक थी तो एके एंटनी की थी। एंटनी कमेटी बनाई गई ये जांचने के लिए, पता करने के लिए कि कांग्रेस 2014 में हारी क्यों, 2019 में हारी क्यों। एंटनी साहब की रिपोर्ट को उठा करके राहुल गांधी ने मुंह में लिया और उसे जैसे कागज बच्चे जो करते हैं ना, उदंड उदंड बच्चे, कि वो कागज लेते हैं मुंह में लेकर के लपेट करके थूक देते हैं, वो थूक दिया राहुल गांधी ने। अब उसे एंटनी ने सोचा कि इस कांग्रेस को सच बताया जाए कि क्यों हम लोग हारे, विमर्श करना जरूरी होता है ना। एंटनी पर ही पीछे पड़ गई, मोदी भक्त है। एके एंटनी जैसा नेता जिसने पूरी जिंदगी 50-55 साल कांग्रेस को दिया, उस एंटनी के पुत्र बीजेपी से, त्रिवंतपुरम से सांसद के चुनाव लड़ रहे हैं शशि थरूर के खिलाफ। वायनाड में राहुल गांधी को हर हाल में वायनाड से भगाने की पूरी तैयारी कर ली गई, डी राजा की बीवी खड़ी हो गई, तो तय सी बात है कि राहुल वहां से मैदान छोड़ के भागेंगे। केरल में जहां सबसे ज्यादा संघ के लोग पाप पीटे गए, मारे गए, वहां एके एंटनी के बेटे की एंट्री। ये दक्षिण में मोदी ने, अभी तो तमिलनाडु पे आना बाकी रहेगा, लेकिन केरल से सर शुरू करें, इसके क्या मायने हैं सर? मनीष जी, केरल से प्रधानमंत्री मोदी ने एक और सवाल उछाल दिया है, और ये पूरे देश के सेकुलर तथा कथित, और वो जो माइनॉरिटी वाले अल्पसंख्यक का रोना रोते हैं उनके लिए छाती कूटा करते हैं अपनी, उन सबको अब इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ये कहता था पूरे देश में चुनाव लड़ा दिया, भाजपा ने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। केरल की मल्लापुरम सीट से डॉक्टर अब्दुल सलाम को भाजपा ने टिकट दिया है, और मल्लापुरम देश की सबसे वो एकमात्र ऐसी सीट है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। ये दर्शक पहले समझ लें कि मेरे ख्याल मल्लापुरम पे जितने वो मुस्लिम वोटर है उतना किसी लोकसभा की सीट पर नहीं है। उस सीट से डॉक्टर अब्दुल सलाम को वोट टिकट दिया है, देखे कितने वोट मिलते हैं। ये कहते हैं ना मुसलमान को टिकट नहीं देते हो, तो उन्होंने दिया है टिकट। तो प्रधानमंत्री मोदी ने टिकट नहीं दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने इनको नंगा करने के लिए टिकट दिया है। ये जो कहते हैं ना कि हम तो बड़े सेकुलर हैं और हम तुम तो टिकट ही नहीं देते हो, तो दिया है टिकट। अब ये जवाब इनको देना पड़ेगा चुनाव परिणाम के बाद कि मल्लापुरम की सीट पर डॉक्टर अब्दुल सलाम को कितने वोट मिले। तो पहला तो मनी जी, केरल से प्रधानमंत्री मोदी ने इन सबको एक सवाल के घेरे में लिया है, अब इंतजार करिए इस चुनाव परिणाम का। दूसरे मनीष जी, जो दक्षिण की बात हुई तो हम लोगों ने पहले उत्तर पे बात कर रहे थे यूपी की, दक्षिण में प्रधानमंत्री मोदी के इरादे क्या हैं ये भी आज की लिस्ट ने बता दिया। केरल से 12, वो मनीष जी तिरुअनंतपुरम से एंटोनी के लड़के को नहीं दिया है, तिरुअनंतपुरम से शशि थरूर के सामने जो अपने केंद्र में मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, उनको उतारा है, राजीव चंद्रशेखर को उतारा है। एंटोनी के लड़के को उनके मेरे ख्याल से जो उनकी सीट थी उसी उस वही सीट उसी से दी है। उतार रहा है, उसी से उतार रहा है। राजीव चंद्रशेखर है तो बेहतरीन कैंडिडेट है। अब परिणाम देखिए क्या होता है, क्योंकि केरल बहुत अनुकूल तो नहीं रहा है भाजपा के, लेकिन इधर मेहनत हुई है और 12 12 सीटें आज डिक्लेयर की है भाजपा ने। इस लिस्ट में 12 सीटें भाजपा ने केरल से डिक्लेयर की है और 9 सीटें तेलंगाना की डिक्लेयर की है, लेकिन मनीष जी तमिलनाडु की एक भी सीट डिक्लेयर नहीं की है, आंध्र प्रदेश की एक भी सीट डिक्लेयर नहीं की है। तो उसका कारण समझ लीजिए कि इसका मतलब ये जो 195 सीटें जब डिक्लेयर हुई थी तो ये तमिलनाडु में 39 और आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, यानी इन दोनों को मिला दिए 64 सीटें,
अभी प्रधानमंत्री मोदी ने टच नहीं किया, तो उसका कारण समझ लीजिए कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी से मेरे ख्याल से समझौता हो जाएगा, और अगर टीडीपी से समझौता हुआ तो आंध्र प्रदेश में आपको चौंकाने वाले परिणाम मिलेंगे। और तमिलनाडु का तो मामला केसी मनीष जी अलग है, तमिलनाडु आपको उसी तरह से चौंकाएगा 2024 में जिस तरह से 2019 में बंगाल ने चौंकाया था। किसी ने मनीष जी कल्पना की थी? ये सारे खैराती, कोई कह रहा था छह आ जाएगी, बहुत आ गई, तो कोई कह रहा था, मतलब जो सीमा पार करके अनुमान लगा रहा था वो कह रहा था 8 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकती, 18 सीटें आई थी बंगाल में। जिस तरह से बंगाल ने चौंकाया था, अब की आपको तमिलनाडु चौंकाने जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी फर्जी नहीं घूम रहे, जो दक्षिण में उनके दौरे हो रहे हैं, और 195 सीटों में एक भी सीट तमिलनाडु की घोषित ना होना, इसका मतलब बड़ा गहरा मंथन वहां पर चल रहा। और जरा टिकट डिक्लेयर होने दीजिए तो आपको और क्लियर होगा। कर्नाटक के तो वो है कि जेडीएस के साथ मेरे ख्याल से सीटें, उनके समझौता होना है, तो कर्नाटक में जेडीएस के समझौते का मतलब आप समझिए कि साफ वहां फिर 25 में 25 भाजपा आने। तो अब की भाजपा पूरे दक्षिण भारत में इन खैरातियों को, इन हरामखोरों को, ये जो दलाली खाते रहे 70 साल, इन सबके मुंह पे कालिक पोतने जा रही है दक्षिण में। बिल्कुल। और आप कह रहे हैं बंगाल, लेकिन मुझे याद है कि बंगाल में जब 18 सांसद बीजेपी लेकर आई, 2 से 18 पहुंची, तब एक ममता से तो हार ही गए ना। मतलब ये जो ट्रेन में जो पिटाई खाने वाला, नहीं तो मेरे बेटे को तो मार दिया, बेटी को मार के दिखाओ, बेटी को तो मार दिया, बीबी को मार के दिखाओ, उस टाइप का। लेकिन मुझे ये लगता है कि दक्षिण में जीत इसलिए जरूरी है क्योंकि एकदम से तैयारी में बैठे हैं। कर्नाटक के ब्लास्ट को मुझे लगता है सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। राहुल गांधी जब कभी भी विदेश जाते हैं, देश में कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। तो क्या आपको लग रहा है इसीलिए मोदी की नजर बहुत गहराई से, ये जो 400 पार का जो आंकड़ा है उसकी बड़ी चुनौती उन्होंने दक्षिण में ली है, चाहे वो तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो? नहीं, उसके बिना तो मनीष जी पूरे ही नहीं हो सकता ना, उसके बिना तो पूरा ही नहीं हो सकता। अगर आप दक्षिण को पूरा छोड़ देंगे, दक्षिण में अगर आपको प्रदर्शन ठीक नहीं होगा तो 400 पार तो नहीं होंगे, 400 पार तो नहीं, 350 तो भाजपा एनडीए पिछली बार था, 353 सीटें थी, ये जो एक्स्ट्रा 50 सीटें चाहिए, 50 70 सीटें, तो वो तो आपको दक्षिण भारत से ही मिलेगी। और मैंने कहा ना कि 39 वहां और 25, तो 64 सीटें अभी यही है, और बाकी कर्नाटक की 25 मिला लीजिए, 12 अभी केरल की डिक्लेयर की, वहां 20 है, तो वो पूरा गणित जो प्रधानमंत्री मोदी ने 400 सीटों का डिक्लेयर किया है, वो दक्षिण से ही आना है आपको, वो दक्षिण से ही आना है, और उसकी उसकी बड़ी पुख्ता तैयारी हो रही है। और इसीलिए इन लोगों को हमेशा आप देखेंगे सनसनीबाजों के उस चैनल पे जो कुछ खलिया रहते हैं, कहते गुजरात में मैक्सिमम पा लिया, मध्य प्रदेश में मैक्सिमम पा लिया, राजस्थान में मैक्सिमम पा लिया, अब इससे ज्यादा तो पा ही नहीं सकते, सीट ही नहीं है उतना। छत्तीसगढ़ में भी करीब करीब मैक्सिमम पा लिया, बिहार में भी करीब करीब मैक्सिमम पा लिया, 39 40 में 39। तो अब 400 कहां से लाएंगे मोदी? मतलब वो इसलिए जो आपने रमेश पटेल के उस उनपे सवाल वो किया था कि हार जीत का नहीं है, वो कह रहे 400 तो नहीं लाने देंगे। अब लड़ाई इसकी हो रही है सर, आप हाँ, बस टिप्पणी यही आखिर आपकी जाते जाते इस पे। जाते जाते। और मनीष जी, इन खैरातियों पर संभवतः एक बिजली और गिरेगी चुनाव से पहले या चुनाव के बाद, और वो मैं बताऊंगा कि गांधी परिवार अपना इतिहास दोहराने जा रहा है बहुत जल्दी, इसी एक साल भर के अंदर, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि अभी तो ये इसी में उलझे हैं कि नरेंद्र मोदी 400 कैसे पार करेगा, 400 तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो इन्होंने मान लिया कि 350 पिछली बार थे वो तो आ जाएंगी, 400 नहीं हो पाएंगी। अब ये इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इनको उलझा दिया है। चलिए इनके उलझनों को और समझेंगे, मगर निश्चित रूप से क्या जरंगबाज प्रधानमंत्री ने संदेश दे दिया कई ऐसे नाम से कि टेनी पर उनका फैसला क्या है, रमेश बिदूरी पर उनका फैसला क्या है, और ऐसे ऐसे कई के इस फैसले के मायने क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम, जय हिंद।